कितनी खोजें हुई है कि आदमी अमर कैसे बने। वैज्ञानिक क्षेत्र में एक प्रक्रिया है हिमीकरण की। हिमीकरण, एक जिंदे आदमी को बर्फ में सुला दिया और कहते हैं 100 वर्ष 200 वर्ष 400 वर्ष बाद जब ताहो तब उसको जिला दिया जाएगा। यह हिमीकरण की प्रक्रिया अमरता की दिशा में चल रही है। आदमी ऐसे प्रयोग भी करता है कि मरूं नहीं, मैं नहीं मरूं, ऐसी भावना भी करता है। अजर भी होना चाहता है और अमर भी होना चाहता है, किंतु इतने प्रयत्नों के बाद भी आदमी बूढ़ा हो रहा है। बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ रही है आज की दुनिया में और अमर भी हो रहा है। जल्दी नहीं मर रहा है, प्रतिशत बढ़ा है, किंतु फिर भी मर रहा है। दोनों हो रही है। स्तुतिकार का वक्तव्य यह है कि प्रभो अमृत समुद्र में से निकला था। पौराणिक बात है, जब श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया 14 रत्न निकले, उनमें एक था अमृत। अमृत निकला वहां से, जहर भी निकला अमृत भी निकला। तो समुद्र में से निकला, स्तुतिकार कहते हैं कि प्रभो आपके गंभीर हृदय समुद्र से, आपका हृदय समुद्र इतना गंभीर है और समुद्र जितना गंभीर होता है उसमें से उतने ही बढ़िया रत्न निकलते। तो आपका हृदय समुद्र इतना गंभीर है और उसमें से जो निकलता है, आपकी जो वाणी निकलती है उसे लोग कहते हैं अमृत है, वाणी अमृत है। बहुत